स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस, अमरिया जुमले। अमरिया जुमले जो हैं स्टूडेंट्स, इसमें चार किस्म के जुमले पाए जाते हैं। हुक्मिया जुमला, जिसको हम आर्डर कहते हैं, एक दरख्वास्त अर्ज, जिसको हम रिक्वेस्ट कहते हैं। तीसरे नंबर पे जो है एडवाइस, कोई मशवरा, तजवीज़ दी जाती है, उसके लिए इस्तेमाल होता है। और चौथे नंबर पर किसी काम से मना करने के लिए या नेगेटिव सेंटेंस के तौर पे जब ये इम्परेटिव सेंटेंस इस्तेमाल होता है तो उसको फॉरबिडन सेंटेंस या मना करने के लिए, फॉरबिडन के लिए भी यूज़ होता है। जिस तरह ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, ये वर्ब से शुरू होता है और ऑब्जेक्ट पे ख़त्म होता है। वर्ब और ऑब्जेक्ट दो चीज़ें होती हैं सिर्फ, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, काम करने वाले की हमें मालूम नहीं होती, लेकिन एक अंडरस्टूड सब्जेक्ट होता है जिसको हम कहते हैं यू, आप, तुम। किसी को भी देखें, हुक्म तब दिया जाता है, मशवरा तब दिया जाता है और मना तब किया जाता है जब वो हमारे सामने मौजूद हो। तो मतलब इसमें सब्जेक्ट होता नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट समझा जाता है कि वो सेकंड पर्सन सब्जेक्ट होता है, जो जिसे सेकंड पर्सन सब्जेक्ट यू को कहते हैं, यू होता है। यू लिखने में नहीं आता, लेकिन यू समझा जाता है। और जुमला जब बनाया जाता है, जुमले की जो फॉर्मेट, जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट दो चीज़ें होती हैं। और अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो उसको डू नॉट शुरू में आ जाता है या नेवर शुरू में आ जाता है, फिर फर्स्ट फॉर्म वर्ब की और ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह स्पीक ट्रूथ, नेवर टेल अलाई या डू नॉट टेल अलाई, इस तरह एक आर्डर का, मशवरे का, ओपन द डोर, ये जो है हुक्म दिया जा रहा है, डू नॉट ओपन द डोर, ये मना किया जा रहा है, और प्लीज़ ओपन द डोर, ये रिक्वेस्ट का हो जाएगा, दरख्वास्त का हो जाएगा। अगर जुमले में प्लीज़ या काइंडली आ जाए तो वो रिक्वेस्ट का जुमला होता है। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। देखें इम्परेटिव सेंटेंस, अमरिया जुमला। अमरिया जुमला, जैसा कि मैंने बताया, आर्डर, हुकुम, रिक्वेस्ट, दरख्वास्त या अर्ज, एडवाइस, मशवरा या तजवीज, और फॉरबिडन कहते हैं मना करने को, किसी काम से मना करना। ये चार चीजें जो है स्टूडेंट, देखें, आर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस और फॉरबिडन, इम्परेटिव सेंटेंस में ये चीजें पाई जाती हैं, या चार किस्म के जुमले इसमें मौजूद होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस में, अमरिया जुमले में। सिंधी में इसको अमरी जुमलो चेबो आए, आए हुकुम, अर्ज, मशवरो या मना करण जे लाए चैन किस्मन जा जुमला इस्तेमाल थींदा है। ये देखिए यूजेज, इसका इस्तेमाल समझ लेते हैं। ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, हमेशा सच बोलो। हमेशा सच बोलो, ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, हमेशा सच गलायो, सदाई सच गलायो, स्पीक ट्रुथ, ऑलवेज स्पीक ट्रुथ। अब देखिए, स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है V1, और ट्रुथ जो है वो ऑब्जेक्ट है। ये दो चीजें पाई जाती हैं इसमें। ऑलवेज जो है हमेशा, ये जुमले की शुरुआत में लिख देंगे या बाद में भी आ सकता है, लेकिन मैन जो इसका वर्ब है, स्पीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें इस्तेमाल होती है।
इसी तरह देखिए सिट डाउन, बैठ जाओ। अब सिट वर्ब है और डाउन इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सिट डाउन जो है इंपरेटिव सेंटेंस होगा, बैठ जाए। अब ये इसको हम एज अ आर्डर के तौर पे भी यूज कर सकते हैं और इसको एज अ एडवाइस के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर रिक्वेस्ट का सेंटेंस होगा, रिक्वेस्ट दरख्वास्त वाला, तो देखें यही यही जुमला दोबारा मैंने यूज किया है, सिट डाउन, ये हो जाएगा आर्डर, आर्डर हुकुम। और प्लीज प्लीज सिट डाउन, ये हो जाएगी दरख्वास्त। मतलब एक ही जुमले में देखें, शुरू में प्लीज या काइंडली वर्ड यूज करने से वो दरख्वास्त या अर्ज वाला जुमला बन जाएगा। अगर ये प्लीज काइंडली निकाल दें तो वो ऑर्डर का हुक्मिया जुमला बन जाएगा। इसी तरह ओपन द डोर जो है वो हुक्मिया जुमला है, ऑर्डर दिया जा रहा है, दरवाजा खोलो, ओपन द डोर। लेकिन प्लीज अगर उसमें लगा दें, प्लीज ओपन द डोर, वो दरख्वास्त वाला जुमला बन जाएगा। इसी तरीके से नेगेटिव जो है फॉरबिडन, मना करने के लिए देखें, डू नॉट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो, डू नॉट टेल अलाई, टेल अलाई जो है ये इंपरेटिव सेंटेंस है, उससे पहले नेगेटिव में डू नॉट आ जाएगा या नेवर भी आ सकता है। डू नॉट टेल अलाई, झूठ मत बोले, ये क्या किया जा रहा है इसमें, मना किया जा रहा है इसमें, इस जुमले में। इसी तरह सेकंड जो है नंबर 5 सेंटेंस, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना वक्त जाया मत करो, इसमें भी मना किया जा रहा है। नेगेटिव जो भी सेंटेंस होगा वो मना के मीनिंग में इस्तेमाल होगा। या नेवर सिट आइडल, कभी फारिग ना बैठो, आइडल, सिट आइडल कहते हैं, फारिग या बेकार, बेकार ना बैठो या फारिग ना बैठो, ये भी मना की मीनिंग में इस्तेमाल होता है। तो स्टूडेंट बेसिकली देखें इंपरेटिव सेंटेंस में ये चार चीजें पाई जाती हैं, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस और फॉरबिडन। ऑर्डर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है सिर्फ, और रिक्वेस्ट में प्लीज या प्लीज की जगह जो है काइंडली, प्लीज या काइंडली, प्लीज काइंडली, ये दो वर्ड इस्तेमाल हो सकते हैं। इसी तरह मना करने के लिए नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट शुरू में आ जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 और ऑब्जेक्ट, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होती है स्टूडेंट, और नेगेटिव ही होता है जुमला, एफर्मेटिव होता है, एफर्मेटिव एफर्मेटिव बयानिया या बयानी सिंधी में कहते हैं, और नेगेटिव ये जिसमें डू नॉट आ जाएगा वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव इनकारिया जुमला। तो जो दो किस्म के जुमले स्टूडेंट इसमें होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस में एफर्मेटिव बयानिया जुमला होता है और नेगेटिव इनकारिया जुमला होता है। इसमें इंट्रागेटिव जो है सवालिया जुमला नहीं होता है। ये दो किस्म के जुमले होते हैं, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से इंपरेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, दो चीजें इसमें पाई जाती हैं। अगर नेगेटिव सेंटेंस है या मना किया जा रहा है किसी काम के करने से, तो डू नॉट या नेवर शुरू में आ जाता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है। उम्मीद है स्टूडेंट आपको इंपरेटिव सेंटेंस अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और दूसरे स्टूडेंट को भी शेयर कर दें, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, रेड बटन सब्सक्राइब का होगा उसको सब्सक्राइब कर लें, और बराबर में बेल आइकन होगा, घंटी का निशान होगा, उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी जितनी भी न्यू वीडियोज़ आएँ वो उसका नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। थैंक्स।